हरिहरपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में घुसखोरी की वायरल खबर पर संज्ञान लेते हुए जिले के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने टीम गठित कर जांच कराया। डीसी की ओर से गठित जांच टीम में मझियाव सीओ अमरेन डोंग, बीडीओ बरडीहा नदजी राम, केतार बीडीओ नितेश भास्कर, डीसी के एसटीओ चंद्रजीत सिंह शामिल थे, जिसने हरिहरपुर पंचायत के हरिहरपुर बत्तोखुर्द डगर वरापुरा गांव में जाकर आवास लाभुकों से रिश्वतखोरी की जांच की। टीम के सदस्यों ने लाभुकों से पूछा कि आवास का लाभ लेने के लिए अगर आपसे किसी ने रिश्वत मांगी हो या रिश्वत ली हो तो बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस पर अलग अलग गांव में कई लाभुकों ने रिश्वत देने से इनकार किया तो कई लाभुकों ने रिश्वतखोरी की पुष्टि की, जिसमें हरिहरपुर के टी टोला निवासी राजेंद्र चौधरी की पत्नी अवंती देवी ने जांच टीम को बताया कि 5 रुपए सैकड़ा सूद पर ऋण लेकर पीएम आवास के लिए बतौर रिश्वत प्रखंड से जुड़े स्वयं सेवक, पंचायत सेवक व जन प्रतिनिधि को कुल 10,700 रुपए दी हूँ। उसके बाद महेंद्र प्रजापति ने भी पीएम आवास के कंप्यूटर ऑपरेटर को 5,000 रुपए देने की बात कही, जबकि उसी गांव के श्याम बिहारी पासवान ने स्वयं सेवक राकेश पासवान को 7,500 रिश्वत देने की बात जांच टीम के सामने कही। उसने कहा कि मुझसे 10,000 रुपए की मांग की गई थी। जांच टीम ने आवास जांच के क्रम में पाया कि हरिहरपुर के राम प्रवेश शर्मा को 2 किस्त की राशि भुगतान हो चुकी है, परंतु अभी तक डोर लेवल का काम नहीं हुआ है। वहीं हरिहरपुर के मोहम्मद इस्लाम, सुदामा चंद्रवंशी आदि ने बताया कि आवास का लाभ लेने के लिए किसी को रिश्वत नहीं दिया है। उधर जांच टीम की सूची में नाम नहीं होने से नाराज रीता देवी, अनिता देवी, चंपा देवी, आशा देवी, ननहबीर साह, चुल्हाई साह सहित कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की। इसके पहले डीसी ने कांडी प्रखंड मुख्यालय में उक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अलग अलग जांच टीम गठित किया और उनको निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में डोर टू डोर जाकर रिश्वतखोरी की वास्तविक जांच होनी चाहिए।